हत्या करने वाले 2019 से फरार चल रहे अपराधी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैनपुरी जनपद में गो हत्या करने वाले गिरोह के फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया है, सुनिए। ये पिछले वर्ष 2020 में गोकसी का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें कुछ अभी पकड़े गए थे, लेकिन ये प्रेस जो है काफ़ी दिन से फरार चल रहा था। इस पर 25,000 का रिवार्ड घोषित था। उसी में हमारी साइबर टीम और पूरी थाने के भी लोग लगे थे, पूरी टीम अब आप देख रहे हैं, एडिशनल SP और COCTF टीम लगी थी इसमें। आज इसको अरेस्ट किया गया है तमंचे के साथ भी। ये कई जनपदों में गोकसी का कार्य, इसकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। ये कम से कम 17-18 में तो कई बार पकड़ा गया है, करीब 9 मुकदमे इस पर हैं गोकसी के। और ये एटा में भी वांटेड चल रहा था, तो इसको आज हमारी टीम ने अरेस्ट किया है। पूरी टीम ऑलरेडी इस पर रिवार्ड घोषित है, और इसी तरह से अन्य भी जो हमारे रिवार्डेड क्रिमिनल हैं उनके विरुद्ध अभियान शासन की नीतियों के अनुरूप हम लोग चला रहे हैं, और शीघ्र ही कुछ और भी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके गोकसी में और मैं कई लोग शामिल इसमें हैं, कुछ पकड़े गए हैं और ये आज पकड़ा गया है। इस पर हम लोग फिलहाल गैंगस्टर कार्रवाई कर रहे हैं।